शहर में कई ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जो अपनी दहशत जमाने के उद्देश्य से शहर में हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को कामयाबी हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को गुप्त जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ चौहान के नेतृत्व में योजना बनाई गई, जिसके तहत पुलिस ने संघर्ष नगर कामठी रोड निवासी तड़ीपार आरोपी चेतन मेश्राम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दिनांक 19/10/2021 रोजी माननीय पुलिस उपायुक्त डिटेक्शन सर यांच्या माहितीप्रमाणे चेतन मधुकर मेश्राम हा व्यक्ती नंदुरबारमध्ये येणार होता। तो तड़ीपार आहे 2 वर्षासाठी नागपूर शहरातून। तो येणार असल्याची आणि त्याच्याकडे लोकं असल्याची बातमी मिळालेली होती। त्या बातमीच्या अनुषंगाने त्याचा सापळा रचला। चेतन मधुकर मेश्राम आणि त्याचे एक साथीदार असे दोघं आहेत, त्याच्यावेळी चेतन मेश्राम याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडं एक बनावटी पिस्टल, जिवंत 3 काडतूसे आणि डबल बोर बंदूक आणि काडतूस मिळाले। पुलिस ने इस दरमियान आरोपी से कुल 41,67,000 का मुद्देमाल जब्त किया। हालांकि पुलिस अभी भी नर्मदा नगर कलमना निवासी आरोपी अजय रमेश बुरले की खोजबीन में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।